मेरा नाम आदिल है। हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्टर के लिए हमने 2004 से लेकर 2013 2004 10 और 13 में हमने इसके लिए अप्लाई किया था। तो 2013 में क्या हुआ कि हमारा हाइट मेजरमेंट टेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद इसमें एक स्टे आ गया। स्टे आने के बाद इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दोनों साइलेंट रहे। हम कैंडिडेट्स ने आपस में मिलकर मतलब कंट्रीब्यूट किया और ये केस लड़ा, जिस पे 2019 में जज कोर्ट ने हमको ऑनरेबल कोर्ट ने हमको इसका स्टे वैकेट किया और इंस्ट्रक्शन दिए डिपार्टमेंट्स को कि इसका प्रोसीजर जो है, इसका प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का, वो कंटिन्यू करे। तो अभी किसी किस्म का कोई चार बार कैलेंडर निकाले गए, लेकिन फिर से कैंसिल हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं बोला जा रहा है। 10 साल हो गए बीच में गैप, मतलब हम इस वक्त इस कंफ्यूजन में है कि हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जाओ। फाइनली ये सारा जो मसला है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने सर पे लेकर ये बोला कि अभी हम इसकी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, हम आगे और देखेंगे। लेकिन आप ये बताइए, पिछले 10 साल से 11 साल हो गए, आज हम सारे आफ्टर एज हो गए, ओवर एज हो गए ना, हम कहीं भर नहीं पाएंगे। तो हम ऑनरेबल गवर्नर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि इसमें पर्सनली इंटरवीन करें, इससे पहले कि कुछ हम एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए, हम क्योंकि हम बहुत मेंटल एगनी में हैं। डिमांड क्या है, हमारी डिमांड यह है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें।